A very good morning, class 3rd. In yesterday's lecture, we have completed our exercise 12.2. In this exercise, we have studied about how to convert rupees and paise with the help of point, right? How to express the money with point. Second thing, how to convert rupees to paise and how to convert paise to rupees. These we have studied already. Hum pad chuke hain iske bare mein ki hum money ko kaise point mein express karenge, kaise hum rupees ko convert karenge paise mein, and how we will convert paise to rupees. Now for today's our topic is about adding the money, means how you will add the money. Simple hai, aap normal jaise 100 rupees if you are having two note of 100 rupees, so simply you can add it and the answer is rupees 200, right? So see, we write when the money is given to like this, the upper question, जब money आपको ऐसे given हो तो क्या करना है, we write them one under the other in a normal manner and add them in a usual way. हम क्या करेंगे, simply हम उनको one under one लिखेंगे and then we will add it, right? Second thing, when we buy two or more things from the market, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, वी नीड टू ऐड द अमाउंट, राइट? आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, वहाँ आप एक से ज़्यादा आइटम लेते हो, आप टॉफीज़ भी ले लेते हो, आप चॉकलेट भी लेते हो, आप चिप्स भी ले लेते हो, राइट? तो वहाँ उस टाइम पे आपको क्या होता है, व्हेन यू हैव टू गिव द अमाउंट टू द शॉपकीपर, जब आपको शॉपकीपर को पैसे देने होते हैं तो आप क्या करते हो बेटा, आप उन सबके कॉस्ट प्राइस को ऐड करते हो, राइट? आप उन सबके प्राइजेस को ऐड करते हैं, तो आपको एडिंग की नीड जो होती है वहाँ होती है, क्लियर? नाउ सी, वन हॉर्स इज गिवन, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन विल यू गेट फॉर अ 5 रुपी कॉइन? देखो 25 पैसे, इट मीन्स 1 रुपी में कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 1 रुपी में 4 कॉइन्स, राइट? रीजन 25 4 100, और जो 100 होता है वो क्या होता है, 1 रुपी. तो 1 रुपी के लिए आपको कितने कॉइन चाहिए, 4, तो 5 रुपीज में कितने कॉइन मिलेंगे आपको, 4 × 5, 20 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 4 फ्रेंड्स गो आउट फॉर अ पिकनिक, शोना स्पेंड्स मोर बट लेस देन राकेश, हु मेड द हाइएस्ट एक्सपेंडिचर? देखो 4 फ्रेंड्स गए हैं, सोना स्पेंड्स मोर बट लेस देन राकेश, सोना ने स्पेंड किया ज़्यादा बट राकेश से कम, सो हु मेड द हाइएस्ट एक्सपेंडिचर, राकेश, फ्रॉम द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही बच्चों की बात हो रही है. 4 फ्रेंड्स गए हैं पिकनिक पे, बट गिवन अबाउट देम ओनली 2, क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 12.3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सिंपली एड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सिंपली जस्ट ऐड. फर्स्ट पार्ट इज, सी दे आर ऑलरेडी अरेंज फॉर यू रुपीज़ 5,143 एंड रुपीज़ 4,355. सो रुपीज़ 3 + 5 8,
फोर प्लस फाइव नाइन, थ्री प्लस वन फोर, एंड फाइव प्लस फोर नाइन, दैट इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 9498। बी पार्ट रुपीज़ 7260, रुपीज़ 2376, एड रुपीज़ 6 प्लस 7 13, 3 वन गोस कैरी, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, सो योर आंसर इज रुपीज़ 9636। वेरी इजी, जस्ट सिंपली जैसे हम ऐड करते आते हैं बेटा वैसे ही हमें मनी को ऐड करना है। लेट्स सी द सी पार्ट, रुपीज़ 1450 प्लस रुपीज़ 7630, व्हाट कम हियर, रुपीज़ 0, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 6 10, वन गोस कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, सो व्हाट कम हियर, रुपीज़ 9080। नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट, रुपीज़ 4530 प्लस रुपीज़ 2665, रुपीज़ 5, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 6 11, 1 goes to carry, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, so in the D part answer is rupees 7195। Clear these four parts, just simple you have to add as like you are adding the digits, आपको ऐसे ही add करना है बेटा जैसे आप numbers को add करते हैं। Clear बेटा, ये तो थे आपके simple add। Now let's come to the digits or the amount which are having पैसे also, but वो जो पैसे हैं वो आपको points में given है, means after point, so that how you will do that। E part rupees 44.00 and rupees 34.95, so look, remember this point, जब आप points वाली money को add करो, right, तो पॉइंट जहाँ वहीं आएगा, आप पॉइंट को इधर से उधर नहीं करेंगे, पॉइंट विल बी एज इट इज़ जैसे आ रहा है, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 9 9 पॉइंट, 4 प्लस 4 8 एंड 4 प्लस 3 7, सो अमाउंट जो है वो क्या है आपका रुपीज़ 78.95। अगर आप पॉइंट को चेंज करोगे तो आपकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। सो बेटा व्हेन यू आर एडिंग द मनी लाइक पॉइंट टाइप एट दैट प्लेस यू हैव टू लर्न हाउ टू अरेंज देम, राइट, एज इट इज जैसे अरेंज है वैसे ही अरेंज रखोगे। एफ पार्ट रुपीज़ 53.25 एंड रुपीज़ 34.25 एड, सो सेम फर्स्टली आप पॉइंट करेंगे, 5 प्लस 5 10, वन गोस कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 4 7 एंड 5 प्लस 3 8, अमाउंट इज रुपीज़ 87.50। क्लियर, बहुत सिंपल है, हम जैसे इनको अरेंज करते आ रहे हैं आपको वैसे ही ऐड भी वैसे ही करना है, जस्ट remember about this point। Now after a G part rupees 45.30 and rupees 53.90 plus 0, 9 plus 3 12, 1 goes carry, point, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9,
4 + 5 = 9, ₹99.20. क्लियर? आफ्टर दिस एच पार्ट ₹15.40 एंड ₹37.00. नाउ दिस यू विल ऐड योर सेल्फ, ऐड एंड राइट डाउन द आंसर, राइट? आफ्टर दैट कम टू आई एंड जे पार्ट. They are of three digits, three amounts of different things, right? So at I part, ₹23.00, ₹19.00, and ₹45.00. Add decimal 00, 3 + 9 = 12, 12 + 5 = 17, 7 will be here and 1 goes carry, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, and 4 + 4 = 8, so amount is ₹87. Clear? बहुत सिंपल है, जस्ट आपको डिजिट्स को अरेंज करना है प्रॉपरली, डेसिमल शुड बी एट द प्लेस ऑफ डेसिमल, राइट? नाउ जे पार्ट, ₹34.60, ₹25.90, ₹26.20 प्लस ₹6 + 9, फर्स्टली पॉइंट 0, 6 + 9 = 15, 15 + 2 = 17, 7 and 1 goes carry. Now 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, and 10 + 6 = 16. Again 1 goes carry. 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, and 7 + 1 = 8. So amount is ₹86.70. Clear this one? So when you add, the amount is ₹86.70. Right? So these are the first question. Now come to the second one. Rohit visited a restaurant and ordered a burger and an ice cream. If burger cost ₹45.50 and ice cream cost ₹48.50, so what does amount he pay for the both? Means usne kya kya item orders kiye hai, burger and ice cream, right? So we have to find the total amount. So what we will do, we will add it. So question second, cost, or you can say price, both are same. Cost of burger equals to ₹45.50. Now cost of an ice cream equals to ₹48.50. We have to find the total amount. So total amount में क्या करेंगे, हम दोनों को add करेंगे. Add करते हैं ₹48.50. 5 + 5 = 10. 1 goes carry. Decimal 5 + 8. 13, 13 + 1 = 14. 1 goes carry. 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9. So ₹94. How much amount he have paid
₹94। क्लियर दिस क्वेश्चन? बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था। आपको बर्गर की कॉस्ट गिवन है और आइसक्रीम की कॉस्ट गिवन है, एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द टोटल अमाउंट, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। विराट हैड ₹3,350 इन हिज पर्स। हिज फादर गिव हिम ₹4,650 मोर। सो व्हाट डज अमाउंट ही हैव इन हिज पर्स नाउ? सो सेम, फर्स्टली क्या है कि उसके पास ऑलरेडी मनी थी, दैट इज ₹3,000। उसके फादर ने उसको दिए 4,650। हमें फाइंड आउट करना है कि उसके पास टोटल मनी नाउ हाउ मच। सो विराट हैड हाउ मच? ₹3,350। His father gave how much? ₹4,650. Total money, total amount he have, that is equals to what we will do, add, firstly arrange and then add 4650 rupees 0, 5 plus 5 10, 1 goes carry, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 0 again 1 goes carry, 3 plus 4 7, 7 plus 1 8. So how much money Virat have? Rupees 8000 in his purse. क्लियर दिस वन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, उसका नाम क्या है? विराट। उसके पास ऑलरेडी मनी थी 3,350। उसके फादर ने उसको दिए ₹4,650, एंड वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच मनी इन हिज पर्स नाउ। सो इट मीन्स टोटल अमाउंट। सो व्हाट वी विल डू, अरेंज एंड ऐड द नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सोनिया परचेज्ड अ स्कर्ट फॉर ₹2,357 एंड अ टी शर्ट फॉर ₹1,500। सो व्हाट अमाउंट डज शी पे टू बाय द बोथ? इन फोर्थ क्वेश्चन आपको अगेन स्कर्ट और टी शर्ट की कॉस्ट गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल हाउ मच मनी शी गिव। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ स्कर्ट, कॉस्ट ऑफ स्कर्ट ₹2,357, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ टी शर्ट हाउ मच? ₹1,543, राइट? So what we have to find, the total amount, again in total amount 2,357, arrange it, and then we will add 7 plus 3 10, 0 1 goes carry, 5 plus 4 9, 9 plus 1 10, again 1 goes carry, 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, and 2 plus 1 3. So total amount she have to pay ₹3,900. Clear this question? बहुत simple था question था। Skirt की cost given थी आपको, t-shirt की cost given थी। आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना था कि बेटा उन्होंने शॉपकीपर को टोटल कितने रुपीस दिए। सो हाउ मच शी पेज? ₹3,900। सी दिस टाइप ऑफ सम्स वी यूज द एडिशन, राइट?
जब आप कुछ बाय करते हो शॉपकीपर से, तो आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है वहाँ पे आपको किसकी नीड होती है। यू हैव टू लर्न हाउ टू ऐड द मनी, आपको आना चाहिए कि रुपीज़ को आप कैसे ऐड करेंगे। नॉर्मल मनी है, बहुत इजी है, सिंपली जैसे आप डिजिट्स को ऐड करते आ रहे हैं वैसे ऐड करेंगे। बट इफ़ विद द पैसे, द डिजिट्स आर विद द पैसे, देन यू हैव टू फर्स्टली लर्न हाउ टू अरेंज द डिजिट्स एंड देन ऐड। सो जब आप अरेंज करेंगे बेटा, रिमेंबर डेसिमल अंडर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, टू। क्लियर? नाउ दिस इज आवर एक्सरसाइज 12.2, सॉरी 3, विच वी हैव डन टूडे। वी हैव कम्प्लीटेड वन टॉपिक ऑफ एडिंग द मनी। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका सब्ट्रैक्टिंग मनी, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सब्ट्रैक्टिंग मनी। जैसे आपको मनी को ऐड करना आना चाहिए, वैसे ही आपको मनी को सब्ट्रैक्ट करना भी आना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे मनी एडिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मनी वो भी इम्पॉर्टेंट है। रीज़न, आपको ये तो पता है कि आपने कितना अमाउंट उनको पे करना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये था 3900, अगर मेरे पास 2000 के 2 नोट हैं, इट मीन्स टोटल 4000। अगर मैं शॉपकीपर को 4000 रुपीज़ देती हूँ और 3900 का बिल है, तो इट मीन्स वो कुछ अमाउंट मुझे भी रिटर्न देगा। और उस अमाउंट को चेक करने के लिए कि उसने मुझे सही अमाउंट वापस किया है या नहीं, उसके लिए मुझे किसकी नीड है, टू लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मनी, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट सब्ट्रैक्टिंग मनी। क्लियर टू एवरीवन? If any problem, you can comment and ask.